A young boy named Leo embarks on an adventurous journey into the heart of a magical forest, guided by an old treasure map he found in his attic. As he steps through the glowing archway at the forest's entrance, he is mesmerized by the vibrant colors and sparkling lights that fill the air. The ancient trees with their shimmering leaves seem to whisper secrets as Leo walks along the winding path, creating a sense of enchantment all around him. Bismillahir Rahmanir Alaikum. इस तरह की किड स्टोरी टेलिंग वीडियोज आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं क्योंकि ये वीडियो मैंने फ्री के टूल्स यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है इसके ऊपर मेरा एक रुपया भी नहीं लगा और अगर आप इस तरह की वीडियो प्रोफेशनल वीडियो बनाना सीख जाते हैं तो आप इसके जरिए से दिनों में लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की वीडियोज बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं आप जाके यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि इनके ऊपर मिलियन में व्यूज आते हैं इस तरह की वीडियो किस तरह से क्रिएट करनी है कौन कौन से फ्री टूल्स आप यूज कर सकते हैं और उनको यूज किस तरह से करना है एनिमेशन कहाँ से लेनी है स्टोरी कहां से जनरेट करवानी है स्टोरी को आपने ऑडियो की शक्ल किस तरह से देनी है और उसके ऊपर आपने नॉन कॉपी बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह से यूज करना है ये तमाम तरह चीजें डिटेल में ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप आज ही इसके ऊपर मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं और दो से तीन माह के अंदर अंदर आप यही कमेंट में बता रहे होंगे कि हमने इस तरीके पे इंप्लीमेंट किया और हम इसके जरिए से इतने पैसे कमा रहे हैं वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा

बहुत ज्यादा चलती है और किड्स बहुत इंटरेस्टिंग से देखते हैं ठीक है तो आपने चैट जीबीटी के ऊपर आ जाना है और इससे आपने एक स्टोरी टाइप करवा लेनी है ठीक है यहाँ पे आपने इसको एक कमांड दे दी ये आपको स्टोरी क्रिएट करके दे देगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की कमांड दी है इसको क्रिएट अ स्टोरी फॉर अ बॉय वॉकिंग इन अ मेजिकल फॉरेस्ट प्लेइंग विद एनिमल्स लुकिंग फॉर अ ट्रैयर वेयर ही आल्सो क्रॉसेज अ वाटरफॉल एंड एट द एंड फाइंड द हिडन ट्रेयर ठीक है आपको अगर नहीं समझ आती आपने अपने माइंड में एक स्टोरी बना के उसकी प्रॉम्प्ट इसको दे देनी है नहीं तो आपने क्या करना है कि आपने इससे आइडिया ले, ले लेना है कि किस किस्म की स्टोरीज हो सकती हैं ठीक है, है? यहाँ पे आपके पास नीचे स्टोरी आ जाती है अब आपने इस स्टोरी से रिलेटेड आपने इमेजेस क्रिएट करवाने हैं इमेजेस क्रिएट करवाने के लिए आपने दूसरे ए टूल की तरफ जाना है ठीक है अपना गूगल पे आके लिख लेना है टेंजर आर्ट आपने इसके ऊपर जाके अपना अकाउंट बना लेना है गूगल के साथ आप इंस्टेंटली लॉगिन हो जाएंगे इंस्टेंटली लॉगिन इन होकर आप इस वाले डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे टेंजर आर्ट आपको डेली के हंड्रेड इमेजेस देता है कि आप क्रेडिट्स देता है जिसमें आप तकरीबन दो सौ तस्वीरें बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपने क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है ठीक है प्रॉम्प्ट आपने दे देनी है यहाँ पे आपने लिख लेना है क्रिएट अ पिक्सर थ्री डी इमेजेस ऑफ अ स्मॉल बॉय विद करली ब्राउन हेयर या उसकी जो भी आप खुलिया देना चाहते हैं उसका जो भी जैसा भी आप खुलिया देना चाहते हैं देने के बाद आपने क्या करना है देखना है कि आप स्टोरी में क्या बता रहे हैं कि देखें वो मैजिकल फॉरेस्ट में घूम रहा है ठीक है एंटरिंग द मैजिकल फॉरेस्ट फिर उसको वहाँ पे ट्रीज हैं ठीक है थीके? फिर उसको वहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद क्या होता है कि वो एनिमल्स के साथ खेलता है फिर उसको एक पौंड मिलता है ठीक है वहाँ पर वो क्या करता है ये देखें फिर उसको एक वाटरफॉल मिलता है और उसके बाद उसको जो आ, मिल जाती है उसको उसका जो हिडन ट्रेजर मिल जाता है तो इस तरह से मैंने इससे को यहाँ पे कमांड देनी है ठीक है इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कमांड देनी है कि ये मैजिकल पाथ पे जा रहा है और फाइंडिंग गोल्ड काइंस या फाइंडिंग ट्रेजर इस तरह से आपने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है प्रॉम्प्ट देने के बाद नीचे से आपने लैंडस्केप सेलेक्ट कर देना है क्योंकि आप वीडियो जनरेट करवा रहे हो ठीक है वो करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर ये आपको ये देखें इमेज क्रिएट करके देना शुरू कर देता है यहाँ वेटिंग कर रहा है इमेज जिस क्रिएट करके दे देता है अब आपने क्या करना है एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको एक इमेज ये क्रिएट करके देता है यहाँ पे आपने सिर्फ बाकी कुछ नहीं चेंज करना ठीक है ये आपने यहाँ पे चेंज करना है देखें ये आपने चेंज करके इसको बताना है कि वॉकिंग यहाँ पे आपने जस्ट पीछे वही रहने देना आगे आपने ये चेंज कर लिया प्लेइंग विद एनिमल्स इससे हो ये होगा कि आपका सेम करटर क्रिएट होगा उसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी ये देखे कितना ज़बरदस्त इसने मुझे इमेज क्रिएट करके दिया है आपको इमेज नहीं अच्छा लगता तो आपने दोबारा से इसको रिक्रिएट करवा देना है ठीक है यहाँ पे आप इसको दोबारा से आपको पसंद नहीं आता यहाँ से आप इसको नीचे ये डाउनलोड का बटन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आप इसको दोबारा से जनरेट का बटन कहेंगे तो आपको ये जनरेट करके दे देगा देखिए मेरे पास अभी तक सेवेंटी क्रेडिट्स हैं मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इमेज जनरेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ

उससे रिलेटेड आपने डाउनलोड कर लेनी है ठीक है डाउनलोड करके आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई आपको इसके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं देखें कितनी ज्यादा इसने जबरदस्त मुझे इमेजेस जनरेट करके दे दिए ठीक है ये देखें ये इसको ट्रेजर मिल गया है, ठीक है और ये देखें ये इसको खजाना मिल चुका है ठीक है तो अब आपने क्या करना है अब आपने एक काम और करना है कि अब आपके पास स्टोरी आ गई इमेज आ गए अब आपने जो आपके पास स्टोरी है उसके लिए या तो आप उसको ख़ुद वॉइस ओवर कर लो तो बहुत बेहतर है जी पिक्चर्स अब आपके पास आ चुकी हैं अब आपने इन पिक्चर से एनिमेट करवाना है एनिमेट के लिए आपने ल्यूमा ए के पास चल जाना है वहां पे आपने गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है ठीक है अब यहाँ पे ये यह कहता है कि आप पिक्चर्स लगाएं ठीक है यहाँ से आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आपने अपने सीन के हिसाब से जो आपने पिक्चर्स डाउनलोड की होंगी ठीक है इसी एक फोल्डर में आपने इनको अरेंज करके देख दे रख देना है ठीक है यहाँ पे मैं एक्सल आर सैकंड कर लेता हूँ ताकि मुझे पिक्चर नजर आए ठीक है यहाँ पे वो पिक्चर मैंने लगाई और मैंने इसको कमांड दे दी मैं प्रेस करता हूँ तो अब ये यह यहाँ पे इसकी एक एनिमेशन क्रिएट करके मुझे दे देगा और देखें कितनी जबरदस्त ये क्रिएट करेगा यहाँ पे आप इसकी एनिमेशन क्रिएट होने ठीक है मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ ये रेडी हो रही है जब तक आपने क्या करना है दूसरी पिक्चर यहाँ पे लगा देनी है अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ ट्वेंटी नाइन मजीद एनिमेशन रह चुकी हैं तो टेंशन नहीं लेनी भाई लोग आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने जैसे ये आपकी थर्टी कंप्लीट हो जाती हैं नया जी मेल अकाउंट लगाओ फिर से थर्टी एनिमेशन ले लो फिर बनाते रहो जी मेल अकाउंट आप जितने मर्जी बना सकते हो बना के आपने यहाँ पे बल्क में आप हंड्रेड जी मेल बना लो और उनके साथ आप चलते रहो ठीक है जब आप हंड्रेड बना लेते हो तो एक के साथ आपको तीन और हंड्रेड के साथ फिर आपको थ्री थाउजेंड एनिमेशन यहाँ पे बन जाती हैं ठीक है थीके? अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने दूसरी पिक्चर ऐड करनी है जब तक वो पहली एनिमेशन क्रिएट कर रहा है आपने तमाम तरह जो आपके पास पिक्चर्स हैं उन सब की यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर लेनी है ल्यूमा एआई के ऊपर और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है मैंने आपको तरीकेकार बता दिया यहाँ पे आपने वो पिक्चर लगाई नीचे हल्की सी कमांड दी और आपने एनिमेशन क्रिएट कर देनी है मैं तमाम तर एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आपको बताता हूँ अच्छा जी मैं दोबारा आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर अच्छा मुझे यहाँ पे एक इशू आ रहा था ल्यूमा ए के ऊपर जब मैं वीडियो क्रिएट करवा रहा था तो ल्यूमा ए काफ़ी टाइम ले रहा था ठीक है उसमें चूँकि वीडियो मैंने आज कंप्लीट करनी थी तो मैंने एक डिफरेंट एआई टूल यूज़ किया है पिक्स वर्स डाट AI, इसके ऊपर भी आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो क्रिएट कर सकते हो एट सेकेंड्स के भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो फाइव सेकेंड के भी सीन्स आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे मैंने कमांड्स दे के तमाम तरह ए जो यहाँ पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेढ़ सौ क्रेडिट मिलेंगे एक दिन के और उसके बाद आपको 50 क्रेडिट्स मिलते हैं जिसमें आप काफ़ी सारे सीन्स आप क्रिएट कर सकते हो ठीक है जी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा इसके बाद अब आपने क्या करना है क्लिप्स आपके पास आ चुके हैं मैं वैसे आपको एक क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ ठीक है अभी आगे एडिटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन ये देखे कितने जबरदस्त किस्म के क्लिप इसने क्लिप इसने मुझे क्रिएट करके दिया है ठीक है जी अब आपने क्या करना है अब आपके पास स्क्रिप्ट चूँकि आ चुकी थी चैट जी से अब आप या तो उसको खुद वॉइस ओवर कर लें ठीक है कैपकार्ट या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएं वहाँ पे उस वीडियो को लगा के आप वहाँ पे उस क्लिप्स को अरेंज करके आप ख़ुद इस सीन्स को स्टेप बाय स्टेप वॉइस ओवर कर लें या फिर आप नहीं करना चाहते तो आपने अलेवन लैब्स के ऊपर चले जाना है अलेवन लैब्स के ऊपर जाने के बाद आपने गूगल से यहाँ गूगल से यहाँ आपने लॉग कर लेना है और यहाँ आपने टेक्स्ट टू स्पीच में जाना है यहाँ पर आपने तमाम तर जो आपका स्क्रिप्ट था वो आपने यहाँ पे उठा लेना है ठीक है जी अब आपने क्या करना है यहाँ पे वो स्क्रिप्ट इसको दे देनी है ठीक है और यहाँ पे आपने जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करना है लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे वॉइस चेक कर लेनी है जो आपको बेहतर लगे अपने जो करेक्टर जिसकी आवाज़ आपको बेहतर लगे आपने उससे ये जनरेट करवाना है ठीक है ठीक है जी यहाँ पे आपने जब

इम्पोर्ट कर देनी है ठीक है चाहे वो आपकी वीडियो फाइल्स हैं चाहे आपकी ऑडियो फाइल्स हैं या फिर कोई इमेज है या कोई पिक्चर है आपने उसको यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करके डेस्कटॉप में आपने उसको जहाँ पे रखा होगा आपने वो तमाम तर फाइल्स उठा के आपने यहाँ पे लगा देनी है ऑडियो फाइल्स भी आपने यहाँ पे इम्पोर्ट कर देनी है ठीक हो गया जी मैं यहाँ पे तमाम तर फाइल्स इम्पोर्ट करके आपको दिखाता हूँ फाइल्स मेरी तमाम तर इम्पोर्ट हो चुकी हैं अब मैंने ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आऊंगा जो भी मेरे पास वीडियो मटेरियल है और ऑडियो मटेरियल है इस तरह से बारी बारी उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं नीचे ले आऊंगा जहां पे मैं इनकी तमाम तरफ एडिटिंग करूंगा और तमाम तर जो इनकी सेटिंग्स है वो मैं यहाँ पे करूंगा मैंने तमाम जो वीडियो फाइल्स होंगी उनको बारी बारी तरतीब वाइज एक आपने तरतीब यहाँ पे नोट करनी है कि जो पहले नंबर पे हो उसको आपने पहले नंबर पे लगाना है जो दूसरे नंबर पे हो उसको आपने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लगा देना है और तमाम तर फाइल्स यहाँ पे इम्पोर्ट कर देनी है ड्रैग करके ठीक हो गया जी अब मैं आपको इसको एक दफा प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चलती है ठीक है यहाँ पे अभी मैं आपको इसको हल्का सा प्ले करके दिखाता हूँ आप देखें कि यहाँ नीचे इसके साथ इसका लोगो भी आ रहा है जिस ए टूल को यूज करते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट की है उसका लोगो मेरे पास आ रहा है अब मैंने उसको रिमूव करना है लेकिन देखिए वीडियो बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त चल रही है जब इसके ऊपर ऑडियो लग जाएगी उसके बाद आपने इसको देखना है कितनी जबरदस्त चल रही है मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं इस लोगो को रिमूव करता हूं ठीक है इस पिक्चर को आपने इस तरह पकड़ के जूम इन ज़ूम आउट आप कर सकते हैं ठीक है इसको आप जूम इन करोगे तो वो देखें लोगो वाला पोर्शन साइड पे हो जाएगा इस तरह से आपने तमाम तर क्लिप्स जितने भी इसके अंदर क्लिप्स मौजूद हैं उन सबका लोगो आपने रिमूव कर देना है एक एक क्लिप को आपने पकड़ना है जूम इन करके जो इसके ऊपर लोगो आ रहा है आपने उसको रिमूव करना है और ये प्ले करके देखें अब वो लोगो यहाँ पे नहीं आ रहा ठीक है इसी तरह से सेकंड क्लिप के ऊपर जाना है आपने इसका भी लोगो ये देखें मौजूद है आपने इसको जूम इन करके इसका लोगो भी रिमूव कर देना है और इस तरह से यहाँ से भी आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग करके आप इसका लोगो रिमूव कर सकते हैं इसी तरह से तमाम तरह क्लिप्स का आप लोगो रिमूव करके तमाम तरह वीडियो का आपने लोगो रिमूव कर लेना है ये करके मैं आपको दिखाता हूँ जी अब आप देखें यहाँ पे आप ने इसका लोगो रिमूव कर दिया वीडियो की सेटिंग आपने कर दी अब आप चाहते हैं कि इसकी लेंथ में कोई थोड़ी सी चेंजेस की जाए तो यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन ये देखें 5.4 पॉइंट फोर सेकेंड का है यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे इसकी यहाँ पे लेंथ जो है वो सेट होती जाएगी ठीक है यहाँ पर मैं इसकी स्पीड दोबारा सेट कर लेता हूँ वहाँ से इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसकी लेंथ जो है वो इनक्रीज़ होती जाएगी इस तरह से आप तमाम क्लिप्स की लेंथ यहाँ से इनक्रीज़ कर सकते हो ठीक है जी ये आपने कर लेना है ये करने के बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने वो ऑडियो लगानी है आप अगर अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे आपने ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पे म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाना है ठीक है यहाँ पे इसके देखें अपने म्यूजिक मौजूद हैं लेकिन आपने ये देखें डिफरेंट म्यूजिक हैं लेकिन आपने क्या करना है आपने जो अपनी वॉइस ओवर करवाई थी आपने जो अलेवन लैब से वॉइस ओवर करवाई थी आपने वो यहाँ पे उठा के लगानी है ठीक है जी तो अब आपने दोबारा मीडियो में मीडिया में चले जाना है मीडिया में जाने के बाद अब आपने क्या करना है वो म्यूजिक आपने जहां भी डाउनलोड करके रखा होगा आपने उसको यहा पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे ले है आप अब आपने इस म्यूज़िक को उठाना है और यहाँ पे आपने रख देना है ठीक है यहाँ पे आपने रख दिया अब आपने इस म्यूज़िक हिसाब से जिस तरह मैंने आपको कहा था आपने क्लिप सेट कर लेने ठीक है मेरी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मैं मज़ीद इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इसके अंदर अब आपने जो है एक लाइब्रेरी से जो यूट्यूब की लाइब्रेरी से म्यूज़िक उठा के वो भी आपने यहाँ पर इसके नीचे ड्रॉप कर देना है इसको आपने यहाँ ड्रॉप करने के बाद इसका वॉलीम आपने कम कर देना है काफ़ी ज़्यादा ठीक है जिसमें इसकी प्ले प्लेबैक म्यूज़िक की आवाज़ बहुत कम आए ठीक हो गया जी अब आपने क्या करना है इसको यहाँ से खींच के आपने सेटिंग कर लेनी है और यहाँ पे ले आना है यहाँ पे आने के बाद देखें ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आपने क्या करना है इस हिसाब से आपने इन सब सीन्स को थोड़ा थोड़ा इनकी टाइमिंग इंक्रीज़ कर देनी है और जहाँ तक ये आपकी वॉइस ओवर जाती है वहाँ पे जाके आपने इस म्यूज़िक को काट देना है ठीक है इस म्यूज़िक को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको स्प्लिट करना है और ये जो इससे आगे वाला पोर्शन है इसको आपने कट कर देना है ठीक है ये लें ये आपका यहाँ तक म्यूजिक सेट हो चुका है अब आपने हर एक वीडियो की टाइमिंग यहाँ से थोड़ी सी जिस तरह मैंने आपको बताई थी आपने उस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर लेना है मैं... अच्छा जी इसके बाद आपने देखना है कि ये जहाँ पे आपका आपकी ये देखें बिल्कुल जहाँ तक आपका साउंड आ रहा हो वहाँ तक ही आपकी ये वीडियो आ रही है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है एक्सपोर्ट के बाद आपने इसको 1080 एडी पिग्जल में सेव कर लेना है जहाँ पर आपकी वीडियो सेविंग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आपने वीडियोस क्रिएट करनी हैं और उनको यूट्यूब चैनल के ऊपर टिकटॉक के ऊपर आपने लगाते जाना है अगर आप कर सकते हैं तो करके लगेगा, वरना मेथड अच्छी 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 मैंने आपको सारा समझा दिया है यही यूज होता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको इसी तरह का मजीद कंटेंट चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कास्ट आती रहें बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ A young boy named Leo embarks on an adventurous journey into the heart of a magical forest, guided by an old treasure map he found in his attic. As he steps through the glowing archway at the forest's entrance, he is mesmerized by the vibrant colors and sparkling lights that fill the air. The ancient trees with their shimmering leaves seem to whisper secrets as Leo walks along the winding path. Creating a sense of enchantment all around him. Along the way, he encounters playful animals a mischievous squirrel, a gentle deer, and a chatty bird who become his companions, guiding him deeper into the mystical woods. Together, they discover the first clue hidden under a glowing rock by a sparkling pond. Following the clue, Leo reaches an enchanted bridge made of shimmering vines and flowers, swaying gently as he crosses. The journey leads him to a majestic waterfall with water sparkling with magic. Behind the waterfall, Leo finds a hidden path leading to a secret cave filled with glowing crystals and ancient markings. In the heart of the cave, he discovers a hidden chest. With a heart pounding in excitement, Leo opens the chest to reveal a treasure trove of sparkling gems and magical artifacts. As he holds the treasure, a soft, magical glow surrounds him, signifying his newfound inner strength and courage. With the treasure safely in hand and a heart full of magic, Leo begins his journey home, accompanied by his animal friends. The forest seems to sparkle even brighter, celebrating his success. As Leo reaches the edge of the forest, he turns back to wave at his new friends, ready to share his incredible story with the world.